बाबूशे टाइम भी तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ बिक्रमजीत सिंह। सो अज देश दे सेहत मंत्री मनसुख जिहड़े मांडविया ने वह पटियाला दे डकाला इलाके दे विच पहुंचे ने। मैं इत्थे तुहानू दसना चाहुंदा वी देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाही विच जिन्नियां भी कल्याणकारी योजनावां देश भर दे विच चलाईयां जा रहीयां ने उन्हां योजनावां नूं लोक अतैशी योजनावां बनाउण लोकां तक पहुंचाउण अते खास करके उन्हां योजनावां बारे दसन दे लई इत्थे अज मांडविया साहब इत्थे पहुंचे ने। उन्हां दे नाल पटियाला दे जिहड़े ने मैंबर पार्लीमेंट महाराणी परनीत कौर अते कैप्टन मनिंदर सिंह दी सपुत्री बीबा जयंतर कौर जो कि अजकल सीधे रूप दे विच बीजेपी दे विच कम कर रहे हैं अते बीजेपी की जिहड़ी कमांड है वह पटियाला तो भी चला रहे हैं। सो इत्थे मैं तुहानू दसना चाहुंदा वी महाराणी परनीत कौर जो कि पटियाला दे मैंबर पार्लीमेंट ने वह लंबे समय तो तीन बार जिहड़े ने मैंबर पार्लीमेंट कांग्रेस वालों ते एक बार केंद्रीय विदेश राज मंत्री भी रह चुके ने। सो इस बार आने वाली 2024 दीआं चोणां दे विच बड़ी वड्डी पंजाब दे विच उतल पुतल होई है। सो मोती महल जो कि लंबा समा जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9.5 साल जिहड़े ने पंजाब दे मुख्यमंत्री रहे ने ते 2022 दीआं चोणां तो पहला जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हां तों अस्तीफा लै लिया गया सी। अस्तीफा देने तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े ने उन्होंने अपने बलबूते ते जिहड़ियां चोणां लड़ियां इस तों बाद हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे रूप में बीजेपी का जिहड़ा परिवार है वह बन चुके ने। दिल्ली में जाके उन्होंने बीजेपी दे विच प्रवेश किया। सो पटियाला सीट के सारे ही जिहड़े समीकरण ने वह उल्ट उल्ट जिहड़े होंदे नज़र आ रहे हैं। तो जिहड़ी सारी जोग्राफिकली जिहड़ी स्थिति है भूगोलिक स्थिति है पटियाला मैंबर पार्लीमेंट की वह आने वाले विच बदली बदली नज़र आ रही है। क्योंकि मैं तुहानूं इत्थे भी गल तुहानूं दसना चाहुंदा वी अंकड़िया के सहत भी पटियाला लोग सभा हलका दे विच जिहड़े 9 विधानसभा हल्के ने 17 लाख के करीब जिहड़े वोटर ने अते होर भी जिहड़ियां वोटां ने इलैक्शन तो पहला पहला बिगल वजन तो पहला पहला होर भी वोटां बढ़ जाणगियां। सब तो वध जिहड़ियां वोटां ने वह डेराबसी सनौर ते पटियाला देहाती दे विच ने। सो इन चोणां दे विच इस बार बड़ा वड्डा जिहड़ा फसलां मुकाबला होण दे आसार बने हुए ने क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी वालों भी अपने उम्मीदवार को पटियाला सीट तो हुलारा दिता जा रहा। अजे कांग्रेस की सीट बारे कहना कुछ भी असंभव नहीं भी कांग्रेस वालों कौन उम्मीदवार हो सकता है। पर मोती महल के बीजेपी जाने तो बाद एक गल स्पष्ट क्लीयर होंगी जापती है भी आने वाले समय दिया 2024 चोणा जेकर बीजेपी इतों टिकट के उत्ते खड़ाती है तो कैप्टन परिवार के ही टिकट मिलेगी। क्योंकि लंबे समय तो बीबा जयंतर कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सपुत्री वालों अपन जिहड़ियां राजनीतिक जिहड़ी गतिविधियां ने इतों मोती महल तो तोरियां जा रही ने। महाराणी परनीत कौर जिहड़े ने वह क्योंकि कांग्रेस के विच ने क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारी उच्च जिहड़ी लीडरशिप वालों अस्तीफा भी कई बार मंगया गया लेकिन वह जिहड़े ने कांग्रेस के विच ही जिहड़े ने मैंबर पार्लीमेंट वजों टिकाऊ ने। अजे उन्हां वालों भी कोई भी उतल पुतल के संकेत जिहड़े ने वह नहीं दिते गए। सो क्लीयर इस गल तो यह स्थिति स्पष्ट होंगी है भी आने वाली जिहड़ियां चोणां दे कैप्टन मनिंदर सिंह जिहड़ा परिवार है वह बीजेपी वालों लड़ेगा। उधरों पंजाब दे विच इस गल की चर्चा भी जोर फड़ती जा रही भी श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा पैचअप है जिहड़ी गढ़ तुप जिहड़ी लंबे समय तो चली सी टुट गई सी वह फिर दुबारा जिहड़ी गंढ है फिर दुबारा बनण के जिहड़े आसार ने बनते जा रहे हैं। सो जेकर अकाली दल के नाल बीजेपी का समझौता होंगे तो यह सीट पंजाब की हॉट सीट होगी क्योंकि भविख के आम आदमी पार्टी का जेकर उम्मीदवार को चोन लड़ता है कांग्रेस अपने बलबूते लड़ती है तो तीन भागों के जी पंजाब पटियाला सीट की वोट डिवाइडेशन होती नज़र आती है क्योंकि महाराणी परनीत कौर के तीन वारी मैंबर पार्लीमेंट बन एक बारी केंद्रीय विदेश राज मंत्री रहन तो बाद जो अपना भी असर सी जो अपना निजी जो वोट बैंक है वह भी इन्हों के कोल है। सो वेखना होगा भविख के भी इतों पटियाला सीट के मुकाबला किदा का होगा। बिक्रमजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट पटियाला।